हर क्रिकेटर की तरह ही विकेटकीपर और बल्लेबाज नमन ओझा के जीवन में भी वह दिन आया जब उन्हें अपने चहेते खेल क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। उज्जैन में जन्मे नमन ने तीनों ही फॉर्मेट से संन्यास की शनिवार शाम घोषणा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नमन ओझा ने मंगलवार को MPCA होलकर ग्राउंड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये घोषणा उन्होंने MPCA के पदाधिकारी और क्रिकेट जगत में उनके गुरु संजय जगदाले के सामने की। संन्यास के पहले वे पिता के साथ पिच पर पहुंचे, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाली इस पिच को नमन किया। इसके बाद मीडिया से बात करने भीतर पहुंचे तो आंखें भर आईं। संन्यास की वजह उन्होंने लगातार कमर में दर्द रहना और परिवार को समय नहीं दे पाना बताया है। इस दौरान उन्होंने अपने सभी साथी खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया। एक न एक दिन तो संन्यास लेना ही पड़ेगा, मैं पूरी जिंदगी तो खेल नहीं सकता हूँ, तो ये दिन आज ये अभी नहीं आता तो एक साल बाद आता ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी बॉडी अभी इतना सब मेरे बैक इतना सपोर्ट नहीं करती है मेरे को लॉन्गर फॉर्मेट के लिए। तो ये लेना ही था, तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इसलिए लिया है कि मैं आगे ग्लोबल जो भी लीग्स हो रही हैं उनके लिए मैं एलिजिबल रहूँ। T20 जो शॉर्टर फॉर्मेट रहता है, आई थिंक वो मेरे को शायद ज़्यादा सूट करेगा, इसके लिए भी ये डिसीज़न लिया है मैंने। वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स, काफ़ी काबिल यंगस्टर्स हैं और काफ़ी बड़ा खेलने की कुव्वत रखते हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छा करें। और जो इंडियन टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है जिस हिसाब से अभी इंडियन टीम है, वो अब आई होप कि फिंगर्स क्रॉस कि वो ऐसा ही चलता रहेगा। सचिन तेंदुलकर, मैं सचिन को बहुत लाइक करता हूँ सचिन को, और मैं उन्हीं का ही जो इतने साल से मैं खेला हूँ उन्हीं के कारण खेला हूँ। मैं बॉम्बे जाके उनसे सीखा कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे अपने आप का टाइम स्पेंड करना है प्रैक्टिस पे, तो मैं उन्हीं से सीखा। मैं छोटा था, मैं जब बॉम्बे गया टाइम शील्ड खेलने, मैंने सचिन को देखा कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो, और वो मैंने यहाँ पर कॉपी किया उनको, तो उससे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। ओझा ने श्रीलंका के खिलाफ 2010 में वनडे डेब्यू किया था। इसी साल उन्हें भारत के लिए दो T20 मैच खेलने का मौका भी मिला था। वहीं श्रीलंका के खिलाफ ही 2015 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू भी किया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए करीब 20 साल तक घरेलू क्रिकेट खेला है। नमन ओझा ने भले ही संन्यास की घोषणा की हो, लेकिन ओझा ग्लोबली होने वाले टूर्नामेंट में खेलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दुभाषी न्यूज, इंदौर।